एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? बॉयफ्रेंड ने कहा, भूल जाऊंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से से दूसरी तरफ घूम गई। फिर लड़की ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भूल सकूंगा उससे जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। फिर लड़की ने पूछा, लेकिन कैसे? लड़की ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर में जेवर, चेहरे में मेकअप, चारों तरफ कैमरा के फ्लैश और लोगों की भीड़ में, जहां तुम मुझे जाकर भी याद नहीं कर सकते। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा, और फिर जब मुझे होश आएगा तब तुम्हें हार्टलेस धोखेबाज बोलकर गाली दूंगा। फिर कभी जब तुम्हारी याद आएगी तब दोस्तों के कंधे पर सिर रख कर रो लिया करूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू हो जाएगा, फिर तुम अपने पति और हजारों तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद आएगी, जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी और जब तुम उसके साथ बाइक पे बैठोगी, और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं होता प्यार मोहब्बत, खत्म हो जाती जिंदगी प्यार के चक्कर में। और कुछ महीनों बाद अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम यही सोचोगी कि शायद अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई। जहाँ एक और तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई, वहीं दूसरी और मैं सभी लोगों से डांट सुन सुन कर लगभग सुधर गया हूँ और सोच लिया है अब कोई काम करना है, एक सुंदर सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है। और सबको यही कहूँगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तभी भी मैं तुम्हारे पुराने मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार करने में ही कमी थी जिसके कारण मैं तुम्हें पा ना सका। यहाँ तक गुनने के बाद लड़की ने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू झलक रहे थे। लड़की भरी हुई आंखों से लड़की की तरफ देखती है। लड़की के लफ्जों पे कोई शब्द नहीं होते। लड़का भी बिल्कुल चुप। 2 मिनट के लिए दोनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद गर्लफ्रेंड ने कहा, तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? बॉयफ्रेंड ने कहा, नहीं, किसी रात जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से किसी बात पर और तुम्हारा पति आराम से सो रहा होगा, लेकिन उस रात तुम्हारी आंखों में नींद ना होगी, और इधर मैं अपनी पत्नी से किसी बात पे बहस करके मैं भी तुम्हारी तरह जागा रहूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, लेकिन ये बात भगवान के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना सुनने के बाद लड़की लड़के को गले लगाकर रोने लगती है। अरे गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? बॉयफ्रेंड ने कहा, भूल जाऊंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से से दूसरी तरफ घूम गई। फिर लड़की ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भूल सकूंगा उससे जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। फिर लड़की ने पूछा, लेकिन कैसे? लड़की ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर में जेवर, चेहरे में मेकअप, चारों तरफ कैमरा के फ्लैश और लोगों की भीड़ में, जहां तुम मुझे जाकर भी याद नहीं कर सकते। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा, और फिर जब मुझे होश आएगा तब तुम्हें हार्टलेस धोखेबाज बोलकर गाली दूंगा। फिर कभी जब तुम्हारी याद आएगी तब दोस्तों के कंधे पर सिर रख कर रो लिया करूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू हो जाएगा, फिर तुम अपने पति और हजारों तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद आएगी, जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी और जब तुम उसके साथ बाइक पे बैठोगी, और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं होता प्यार मोहब्बत, खत्म हो जाती जिंदगी प्यार के चक्कर में। और कुछ महीनों बाद अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम यही सोचोगी कि शायद अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई। जहाँ एक और तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई, वहीं दूसरी और मैं सभी लोगों से डांट सुन सुन कर लगभग सुधर गया हूँ और सोच लिया है अब कोई काम करना है, एक सुंदर सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है। और सबको यही कहूँगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तभी भी मैं तुम्हारे पुराने मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा
और सोचूंगा शायद मेरे प्यार करने में ही कमी थी जिसके कारण मैं तुम्हें पा ना सका। यहाँ तक गुनले के बाद लड़के ने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू झलक रहे थे। लड़की भरी हुई आंखों से लड़की की तरफ देखती है। लड़की के लफ्जों पे कोई शब्द नहीं होते। लड़का भी बिल्कुल चुप। 2 मिनट के लिए दोनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद गर्लफ्रेंड ने कहा, तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? बॉयफ्रेंड ने कहा, नहीं, किसी रात जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से किसी बात पर और तुम्हारा पति आराम से सो रहा होगा, लेकिन उस रात तुम्हारी आंखों में नींद ना होगी और इधर मैं अपनी पत्नी से किसी बात पे बहस करके मैं भी तुम्हारी तरह जागा रहूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, लेकिन ये बात भगवान के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना सुनने के बाद लड़की लड़के को गले लगाकर रोने लगती है।